मध्य प्रदेश के अंदर आज नए 6 चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। इतनी तेजी से चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपने ये भी देखा होगा अभी कोरोना काल में हमारे मेडिकल कॉलेजों ने काफी बेहतरीन काम करके दिखाया। ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इन्हें क्रमशः ही लें, उसकी राशि भी मैं बोलूंगा, उसे क्रमशः माने: मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं और राशि क्रमशः ही मानी जाएगी: 249.63 करोड़ रुपए, 258.7 करोड़ रुपए, 256.83 करोड़ रुपए, 256.55 करोड़ रुपए, 255.78 करोड़ रुपए और 270.59 करोड़ रुपए। ऐसे कुल 1200 करोड़ के आसपास ये राशि आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है इन मेडिकल कॉलेजों को। यहां यह भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं कि मंडला, श्योपुर, मंदसौर, ये जनजाति बाहुल्य जिले हैं जहां पर कि ये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, उस समुदाय को उन्नति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना को लेकर आपात बैठक भी की गई और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश किए हैं कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने प्रभार के समस्त जिलों के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट, वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, रेमडेसिविर, इन सब की चिंता वो करेंगे और पूरी जानकारी लेके अपने अपने जिलों को स्वास्थ्य चिकित्साओं के बारे में अपडेट लगातार लेते रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को कहा भी है कि टेस्टों को बढ़ाना है, जनता की जागरूकता मास्क के प्रति, सैनिटाइजर के प्रति और अन्य कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उसके प्रति भी जागरूक करने का संबंधित जिलों को निर्देश दें।